ओके, यस सर आ जाओ सभी लोग फटाफट सभी लोगों को गुड आफ्टरनून सभी लोग जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं फटाफट अपने दोस्त भाई या रिश्तेदार जो भी आने वाले हैं सबको फटाफट बुला लो आज का लेक्चर चालू होने वाला है आज है हमारा सेशन नंबर टू ध्यान से सुनिएगा ये सेशन नंबर टू है जैसा कि सब लोग जानते हैं हम YouTube के ऊपर डेली लाइव ले रहे हैं अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा यस और नो जो बच्चे इसे पेनड्राइव में देख रहे हैं आपको ये लेक्चर एक ही दिख रहा होगा हो सकता है कि आपको मेरे कपड़े थोड़े से बदले में मिले पर उसका टेंशन नहीं लेना पूरे लेक्चर भर कपड़ों के ऊपर फोकस मत करना सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना और वो है आपका नॉलेज और नो तो सर जयराम जी की हेलो नमस्ते सभी लोगों को चलो सब लोग फटाफट पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी करना है याद आता है आपको वो जब हम हम लोग लोग स्कूल के अंदर में थे थे टीचर टीचर आता था और हम सब खड़े हो जाते गुड मॉर्निंग वाला सिचुएशन होता था राइट सो so, लाइव में है वर्चुअल में है कैसा भी है एक दूसरे के लिए प्यार बना है दैट्स गुड सबसे पहली बात बता दू पापा की हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल है अभी और भगवान से बस यही दुआ करूंगा कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बस एक ही चीज प्रे कीजिए मेरे डैड का हेल्थ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए यस और यस यस सर बताइए कुछ याद आ रहा है हम लोगों ने क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ अब तक के हम लोगों ने क्या पढ़ा था सबसे पहले सबसे पहले हम लोग गए थे ये समझने के लिए कि सर ये आखिर वर्ड आया कहां से है क्या तुम्हें याद है ये वर्ड सबसे पहले आया था टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में लिखा हुआ है एंड टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो लैटिन के लोगों का कितने काम थे दो ही काम थे राइट इसके बाद इंडिया में इसे किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया सर जेम्स विल्सन ने जेम्स विल्सन ने इंडिया ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है एंड यस yes, इसके बाद वापस से एक भारत के अंदर में एक्ट लागू किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1922 फिर हमारा भारत आजाद हुआ और इसके बाद हमने इंडिपेंडेंट इंडिया का अपना एक एक्ट बना एक दिया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इंडियन वर्ड था या नहीं था नहीं था इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया और साथ-साथ में इनकम टैक्स एक्ट 1962 रूल्स लेकर के आए एक सवाल हमारा आज भी बाकी है एक्ट 61 और रूल्स 62 ऐसा क्यू? ये बात पे आज हमें डिस्कस करना होगा मालिक अच्छा जी सर मैं आपको बता दू आ, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर मेरा बर्थडे आज नहीं है तो प्लीज टेंशन मत लीजिए दूसरी बात आ, अब बिल्कुल भी कमेंट ना करे कंसेप्ट के ऊपर आ जाए अपने रजिस्टर ओपन कर ले कल मैंने आपको कैलकुलेटर रजिस्टर के बारे में कहा था वो चीज आप अपने पास में ओपन करके रख ले और अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे जैसा कि हमारा कल भी रखा था हम लोगों ने आज भी हम कंटिन्यू करेंगे कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो एट दी एंड हम लोग करेंगे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई कमेंट ना करें और अगर कोई कमेंट कर रहा होगा तो प्लीज उसे रोक दे जब मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई जवाब चाहिए तभी आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है वापस से आते हैं सर हम लोगों ने क्या पढ़ा मालिक हिस्ट्री पढ़ा फिर हम लोगों ने पेपर पैटर्न पढ़ा कि बॉस डायरेक्ट टैक्सेस कितने के लिए आ रहा है सिक्सटी के लिए आ रहा है और जीएसटी कितने मार्क्स के लिए आ रहा है फोर्टी मार्क्स के लिए आ रहा है क्वेश्चन का डिवीजन किस तरीके से होगा हमने वो डिस्कस किया एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस किया कि बॉस आपको कितने क्वेश्चन आएंगे हमने बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया को डिस्कस किया ना व्हाट वाज़ द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया प्रोग्रेसिव बेसिस प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब जैसे 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 आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा मालिक टैक्स भी बढ़ता जाएगा ठीक है सर अच्छा जी सर हम बढ़ते हैं अब इसके आगे इसके आगे बढ़ते हैं सर कुछ वर्ड्स के हम लोगों ने मीनिंग ढूंढने थे पहला था सेक्शन व्हाट इज सेक्शन डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन सिस्टमैटिक मैनर इनकम टैक्स में कितने सेक्शन थे 298 सेक्शंस थे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में डन प्रभु दूसरी बात हम लोगों ने करा था कि वो सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है सेक्शन सब सब सेक्शन क्लॉज क्लॉज एक्सप्लेनेशन क्या होता है अगर सेक्शन में कोई वर्ड दिया है इस वर्ड को हम लोगों को क्या करना है समझना है या लॉ हमें जो वर्ड का मीनिंग समझाना चाहता है वो एक्सप्लेनेशन में दिया होता है प्रोविजो या वर्ड दिखता है प्रोवाइडेड दैट जिसका मतलब होता है एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन Yes no? इसके बाद में हमने नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर के ऊपर बात करी नोटिफिकेशन क्या करता है प्रभु नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज जब भी कोई चेंज भारत सरकार आपको कम्युनिकेट करना आपको कम्युनिकेट करना करना चाहता चाहता है 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 या डिपार्टमेंट आपको वो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन लेके आ जाता ऑल मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल अच्छा जी सर नोटिफिकेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मालिक सर्कुलर सर्कुलर के अंदर में क्या था सर्कुलर के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि बॉस सर्कुलर इज अ क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट ऐसा क्यों आता है उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉस हो सकता है मुंबई में बैठा जो एओ हो दिल्ली में बैठा जो एओ हो कोलकाता या चेन्नई में बैठा हुआ जो एओ हो इनके एक ही लॉ पे अलग अलग ओपिनियन बन सकते हैं और ऐसा ना हो एक यूनिफॉर्मिटी आए इसके लिए डिपार्टमेंट सर्कुलर इश्यू करता है लेकिन ये क्लैरिटी किसके लिए है डिपार्टमेंट के लिए है आपके लिए नहीं स्टिल यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन योर ओन ये सोनो मालिक आप बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रख सकते थे फिर हमने एक और बात समझी एक्ट और रूल्स क्या होते तो हैं दोनों को साथ साथ में पढ़ना है अब तक हमें यह तो समझ में आ गया है प्रभु कि हमें चार चीजें पढ़नी है कहते तो है कि इनकम टैक्स ही पढ़ना है लेकिन इनकम टैक्स में बहुत कुछ पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं हमें नोटिफिकेशन पढ़ने हैं हमें सर्कुलर पढ़ने हैं यहां तक की बातें हम लोगों ने ऑलरेडी करी है साहब यस और नो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं साहब हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं मैंने आप लोगों से कहा है कि बॉस आप लोग क्या करेंगे नोट्स निकाल के लाएंगे जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम का आप लोग को दिया था ये नोट्स आपके पास होंगे रजिस्टर आपके पास होगा और आज के लेक्शन्स में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है तो चलो आगे बढ़ते हैं कल मैंने आपको एक पूरा ज्ञान दिया था पूरा ज्ञान याद आ रहा है आपको लॉ मेकर लॉ इंप्लीमेंटर और लॉ इंटरप्रेटर अब इस बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं आपसे लॉ मेकर ने लॉ बनाया लॉ बनाता कौन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाता है लॉ को और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉ को बनाने के बाद क्या होता है मालिक उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ डिस्कस करके बिल बनाता है बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है प्रेसिडेंट असेंट मिलता है और वो एक्ट बन जाता है इसके बाद में इंप्लीमेंटर इसे इंप्लीमेंट करता है इसके बाद में क्या होता है इंप्लीमेंटर इसे इंप्लीमेंट करता है और इंटरप्रिटर इसे इंटरप्रीट करता है जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो तो चलिए इस आस्पेक्ट में आपसे सबसे पहली बात करना चाहता हूं चिन्नैया वर्सेस रमैया ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्सटीन हाउ टू रीड केस लॉ बचपन से लेके अभी तक तुम्हारा बचपन मतलब फाउंडेशन पकड़ लू मैं ठीक है तुम्हारे बचपन से लेके अभी तक के तुम लोगों ने कई केस लॉस पढ़े हैं जिनमें से वन ऑफ द केस लॉ जो आप लोग फाउंडेशन के अंदर में पढ़ते हैं चिन्नैया वर्सेज रमैया एंड मेनी अदर केसेस ये अब मुझे एक सवाल है आप लोगों से सिंस आप लोगों ने इतने सारे केसेस पढ़े हैं तो मुझे आप लोगों से एक सवाल है और वो सवाल ये है कि किसने किसके ऊपर केस किया चया ने रमैया पे या रमैया ने चिनइया पे पहला सिचुएशन ये दूसरा ये जो इसके आगे लिखा है आईटीआर ट्वेंटी ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्सटीन इसे रीड कैसे किया जाता है क्योंकि ऐसा होगा कि जब आप इसके आगे लॉ पढ़ेंगे तो कई बार लॉ में क्लैरिटी नहीं होती और इंटरप्रिटर लॉ बनाता है जैसे कि आपको पता हो या नहीं पता हो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं ये लॉ बन जाते हैं जी हां सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट पास करता है ये लॉ बन जाता है अब ऑटोमेटिक अगर ये लॉ बन जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इतने पावर दिए गए हैं हेंस आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह से वर्क करता है It. तो चलिए मुझे बताइए किसने किसके ऊपर केस किया हुआ है आपको इस पर कमेंट करना है एक ने लिखा है तनुजा लिखती है रामैया ने चिनय पे केस किया है जबकि श्रीसाद लिखते हैं चिन्हैया ने रमैया पे केस किया है लोकेश लिख रहे हैं चिन्हैया ने रमैया पे केस किया हुआ है ओके रमैया फाइलड केस ऑन ओके चलिए तो कई लोगों ने इसका जवाब दिया जी हां जवाब बिल्कुल सही है चिन्नैया वर्सेस रमैया इट वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने ऊपर केस किया है सो हैज प्लेड अ मेजर रोल उसने अपने कंप्लेन फाइल किया और उसके किसके अगेंस्ट में किए रमैया के अगेंस्ट में किए यहां तक के आप लोग का नॉलेज बिल्कुल सही चल रहा है अब मुझे बताइए सभी लोग इसके आगे का सेशन ये जो आई टी आर है इसका क्या मतलब हुआ किसी को पता है कुछ अब इसका क्या मतलब हुआ जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ITR 2020 2016 मैं आज आपको बताता हूं ये कैसे रीड किया जाता है क्योंकि इसके आगे आप लोग को केस लॉ करना होता है और ये आपको आज समझना क्यों जरूरी है इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है इसको आपको आज ही समझना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के अंदर में बहुत सारी बुक होती है कैसे यूज होता है इन सारी चीजों का मैं आपको बताता हूं सर सर होता ही है क्लाइंट हमारे पास आता है और वो हमारे को एक इशू बताता है कि डिपार्टमेंट इस चीज के ऊपर ऐसा बोल रहा है अब ऐसा तो है नहीं कि एक अलग धरती पे आया हुआ आदमी है डाउनलोड हुआ हुआ आदमी है Yes no, इसके ऐसे इशू हुए होंगे तो इसके पहले किसी और के भी ऐसे इशू हुए होंगे जिसमें हो सकता है कोर्ट ने कोई मैटर डिस्कस किया होगा तो जो सीए के ऑफिसर्स में बुक होती है ना इनमें से कई बुक्स होती है जो केस की होती है है बराबर इसे कहा जाता है दैट इज इनकम टैक्स रूलिंग्स जिसका मतलब यह होता है कि इनकम टैक्स ने अलग अलग रूलिंग्स दी हुई है इन मैटर्स के ऊपर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बुक को निकालता है देखता है कि यह इशू कौन से सेक्शन से रिलेटेड है वो सेक्शन को अंडरस्टैंड करता है किसी केस को ढूंढता है अब ढूंढा कैसे जाता है जरा समझिएगा चिन्न ने रमैया पे एक केस किया था जो सिमिलर फैक्ट रखता होगा बुक के अंदर में लिखा होता है इज द बुक नेम दैट इज इज इनकम टैक्स रूलिंग्स 2020 द ईयर जिस साल में ये केस अराइज हुआ था और ये 2020 का सोलवा नंबर का केस था जो उस कोर्ट ने डिलीवर किया था दैट इज हाउ इट इज टू बी रीडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वापस से जल्दी से एवरीबाडी एवरीबाडी जल्दी से बताइए मुझे राइट right? चिनैया ने रमैया पे केस किया आई टी आर आई टी आर इनकम टैक्स रूलिंग बुक का नाम है दो हजार बीस के अंदर जजमेंट आया था और सिक्सटीन का ये केस लॉ है ठीक है जो बच्चे आज पहली बार आए हैं जो बच्चे अभी आए हैं मैं उनको बता दूं, ये सेकंड क्लास है कल हम लोगों ने और एक सेशन ले लिया था बाकी जो बच्चे देख रहे देखते रहो गलत जगह कमेंट नहीं करने का आ जाइए सर तो चिनैया ने रमैया पे केस किया था आई टी 2020 बुक के अंदर में आपको मिल जाएगा सोलवे नंबर की केस होगी अब मेरा एक और सवाल है आप सभी से आप लोग को कमेंट करके मुझे फटाफट बताना है ठीक है सबसे पहली चीज सर एक्ट कुछ और कह रहा है केस लॉ कुछ और कह रहा है हो सकता है प्रभु बिल्कुल हो सकता है एक्ट कुछ और कह रहा है केस लॉ कुछ और कह रहा है दोनों में से कौन जीतेगा ये बताओ व्हाट विल विन केस लॉ और एक्ट आपके जवाब शुरू होने चाहिए अब जल्दी से बताइए एक्ट कुछ और कह रहा है केस लॉ कुछ और कह रहा है पहले हमें क्या रीड करना चाहिए एक्ट रीड करना चाहिए केस लॉ क्योंकि इनकम टैक्स में इतने सारे केस लॉ होंगे कई केस लॉ तो एक दूसरे से अपोजिट भी होते हैं तो कई बच्चे कह रहे हैं एक्ट केस लॉ एक्ट केस लॉ ओ हो साहब मिक्सड फीलिंग है यहां पर मिक्सड फीलिंग है मैक्सिमम बच्चे एक्ट लिख रहे हैं लो साहब केस लॉ की भी एक भरमार आ गई है बहुत बढ़िया आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो यही इंटरक्टिव क्लास का सबसे बड़ा हिस्सा होता है बहुत शानदार बहुत शानदार बेटा मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को तो कुछ कह रहे हैं एक्ट कुछ कह रहे हैं केस लॉ जिस हिसाब से चल रहा है तो अब आ गई है घड़ी रुक जाइए अब अपना कमेंट रोक दीजिए बिल्कुल रोक दीजिए मैं जैसा चला रहा हूं बिल्कुल चलने दीजिए सबसे पहली बात एक्ट और केस लॉ की अगर हम बात करें तो दोनों में से कौन जीतेगा इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है हाउ टू रीड लॉ ये आपने नहीं लिखा होगा तो सर लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू रीड लॉ इनकम टैक्स एक लॉ है और इस लॉ को कैसे रीड किया जाता है यह समझिएगा सबसे पहला स्टेप है आपको कहां जाना है कहीं पे भी एक्ट में जाना है मतलब कोई भी हो चाहे वो डीटी हो चाहे वो जीएसटी हो हर जगह सबसे पहले आपको कोई भी चीज का मीनिंग ढूंढना है तो आपको कहां जाना होता है एक्ट में जाना होता है एक्ट के अंदर में वो पॉइंट ना मिले एक्ट के अंदर में वो पॉइंट ना मिले तो आपको बता दू जो खैर आपको दर्शन सर भी बताएंगे राइट एक्ट के अंदर में कोई पॉइंट ना मिले तो उसके लिए एक दूसरा केस होता है दूसरा एक्ट बनाया गया है जनरल क्लॉज एक्ट मतलब अगर आपके एक्ट में कोई पॉइंट ना लिखा हो तो जनरल क्लॉज एक्ट एक ऐसा एक्ट बनाया गया है जिसमें जनरली किसी वर्ड को क्या इंटरप्रिट करना है वो लिखा हुआ होता है बहरहाल सबसे पहले आप किसी भी चीज का मीनिंग ढूंढना है एक्ट में जाओगे एक्ट के अंदर में वो ना मिले तो सेकेंड केस बनता है आपका जुडिशियल डिसीजन जी हां यानी अगर इस सवाल का जवाब आ जाए कि पहले एक्ट या पहले केस लॉ तो इसका सबसे सही जवाब होगा पहले एक्ट एक्ट में कुछ ना मिले तो ही आपको केस लॉ में जाना है अदरवाइज केस लॉ में नहीं जाना इस बात का यूज हम सबसे ज्यादा करेंगे जब हम कैपिटल गेन पढ़ते रहेंगे वहां पे केस आता है मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी वहां पे आपको एक केस का मैं इस कंसेप्ट का रेफरेंस आपको दिखाऊंगा कि देख बेटा पहले तुझे एक्ट के हिसाब से चीजें करनी है और फिर ही तू केस लॉ के हिसाब से चीजें करेगा गेटिंग इट और नॉट तो सबसे पहले जब भी कोई चीज का मीनिंग ढूंढना है हमारा बच्चा कहां जाएगा मेरा बच्चा जाएगा सबसे पहले कहां पे एक्ट के अंदर में एक्ट के अंदर में कुछ ना मिले तो मेरा बच्चा कहां जाएगा केस लॉ के अंदर में जाएगा अब कुछ नालायक मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर दोनों जगह नहीं मिला तो हो सकता है कोई नालायक मुझसे जरूर पूछे कि सर दोनों जगह नहीं मिला तो हम क्या करेंगे मैं उस नालायक को बता दूं कि सर अगर आपको एक्ट में भी ना मिले कोई चीज आपको केस लॉ में भी ना मिले तो उसको ढूंढने के लिए लॉ ने तीसरा पार्ट बताया है थर्ड पार्ट बताया है कि यू नो यू हैव टू फॉलो कस्टम अब इसके छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं रीड दिस वर्ड ए बराबर है जोर से रीड करना आप जब जहां कहीं भी, भी बैठे हो ए बराबर है आपने रीड किया ए मुझे एक बात बताइए आपने कौन से एक्ट में पढ़ा है कि इसको ए रीड करना है एबीसीडी हाँ, एक्ट उसके अंदर में होगा ना आप लोगों ने अच्छा 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 हाँ नर्सरी एक्ट के अंदर में पढ़ा होगा इसको रीड करना है ना ये कहीं कोई एक्ट में डिफाइंड है ना कोई जुडिशियल डिसीजन है जो ये कहता है कि इसको ए रीड करना है ये कई सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं और हम उसको कई सालों से फॉलो करते हैं एक्ट में भी कई चीजें ऐसी ही है एक्ट में भी कई चीजें ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि आप उसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे हर चीज डिफाइंड होगी जरूरी नहीं है है तो ऐसे केसेस में कई सालों से जो प्रैक्टिस चले आ रही है या कई सालों से जो उसके जनरल मीनिंग चले आ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जीएसटी के अंदर में क्या किया जाता है इसे कस्टम के तौर पे फॉलो किया जाता है अब जैसे अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स में रिटर्न मैं सीए फाइनल क्या आपको एक जोक बताता हूं सर एक सीए फाइनल की बच्ची थी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर हो गई थी और फाइनल में आई थी और फाइनल में उसने डायरेक्ट एक्सेस के क्लासेस लगा दिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं डमी होगी उस बच्ची ने क्योंकि फाइनल में जो पहला टॉपिक चालू चालू होता है, वो return से चालू होता है है वो रिटर्न से इंटर का लास्ट का टॉपिक होता है फाइनल और फाइनल का पहला टॉपिक होता है रिटर्न तो रिटर्न से मैंने चालू किया उस बच्ची ने मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आप सभी लोग इस सवाल को जरूर दाद दीजिएगा सवाल था वाई वी फाइल रिटर्न जब वो वापस ही आने वाला होता है मैं दो मिनट तक के सोचा इस बच्ची ने मेरे से पूछा क्या है वाई वी फाइल रिटर्न जब वो वापस ही आने वाला होता है उसने रिटर्न का ये मतलब निकाला अगर किसी नलायक ने ऐसा फालतू सवाल मेरे से किया मैं आपको बता रहा हूं माता रानी माफ नहीं करेगी समझ में आ रही है बात सो so, रिटर्न एक ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कई सालों से वो वर्ड डाला गया है और उसे आज भी हम कस्टम के जैसे क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं तो अगर कोई दीदी ऐसा सवाल पूछ रही होगी तो उस दीदी को दीदी प्लीज हमें माफ करें आप आप समझ सकती है हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको ये सारी बातें हम बता दें चलिए सर तो यस बिल्कुल वही वही वाली फीलिंग आती है ओ, भाई मारो मुझे मारो वाली फीलिंग आती है बिल्कुल सही बोल रहे हो तो चलिए मेरा बच्चा आप मुझे बताएगा हम कहां गए थे इंटरप्रेटर में गए थे इंटरप्रेटर से हमें एक और चीज मिली और बेसिक में गए हम और डीप में गए और डीप में जाकर के हमको समझ में आया कि केस लॉ को कैसे रीड करते हैं हमें समझ में आया चिन्हैया ने रमैया पे केस किया ये काम की चीज नहीं है इसके बाद हमारी ये काम की चीज है कि आई टी और सोलह का जजमेंट था फिर हम आगे आए हमारे मन में एक विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण हुआ और वह निर्माण ये था कि साहब पहले क्या करना एक्ट पढ़ना या केस लॉ पढ़ना आज हमें ज्ञान का अनुभूति हुई है कि हमेशा सबसे पहले हम एक्ट पढ़ेंगे एक्ट के बाद हम जजमेंट्स पढ़ेंगे अगर उसके ऊपर होंगे तो और फिर हम अगर दोनों जगह ये नहीं मिल रहा तो सदियों से जो प्रैक्टिस आ रही है जिसे हम कहते हैं कस्टम सदियों से जो प्रैक्टिस आ रही है हम वो फॉलो करेंगे ये सोनो चलिए साहब बहुत बढ़िया अच्छा जी अब एक सवाल आपके मन में और उठना चाहिए एक्ट को लेकर के सर ये एक्ट में क्या क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या होता है किस तरीके से ये डिवाइडेड होता है क्या एक्ट में सिर्फ सेक्शंस होते हैं आपके मन में सवाल उठना चाहिए क्योंकि आपको तो पता है अपन एवरेज बच्चे अपन तो पहली बार डायरेक्ट पढ़ रहे है. तो सर मुझे बताइए क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है नहीं एक्ट इज डिवाइडेड लिखते जाइएगा इनटू वेरियस सेक्शंस देन देर आर शेड्यूल्स अब आप यह पूछेंगे यह शेड्यूल मतलब क्या होता है अब आप यह पूछेंगे कि सर ये शेड्यूल मतलब क्या होता है आपके मन में आना चाहिए एंड देन देर आर अनेक्शर्स जब आप कोई एक्ट पकड़ते हैं ना इनकम टैक्स एक्ट बैरैक जब पहली बार हाथ में पकड़ोगे बड़ा सुकून होगा सर क्या इंटर लेवल पे हमने बैरैक लेना चाहिए आंसर इज नो फाइनल लेवल पे तो मैं मैंडेटरीली लेने लगाता हूं इंटर लेवल पे आपको जरूरत नहीं है ध्यान से सुनिएगा सो द एक्ट इज डिवाइडेड इन टू वीरियस सेक्शन देन देर आर शेड्यूल्स जैसे ही एक्ट खत्म होता है एक्ट के पीछे होता है शेड्यूल अब आप ये पूछोगे कि सर शेड्यूल मतलब क्या होता है बेटा शेड्यूल क्या होता है देखिए कई चीज का कुछ फॉर्मेट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है या वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना चाहता है अब जैसे आप कंपनीज एक्ट का शेड्यूल ले लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है तो शेड्यूल टेक्निकली क्या देता है शेड्यूल आपको टेक्निकली या तो फॉर्मैट देता है या तो लिस्ट प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर चीज के एनेक्चर क्या होते हैं अनेक्चर एक कंप्लीट लिस्ट होती है या एक्सप्लेनेशन होते हैं या फिर टेबल ऑफ फीस होता है टेबल ऑफ फीस अनेक्चर मैक्सिमम केस में टेबल ऑफ फीस होता है अब ये टेबल ऑफ फीस क्या है कभी सोचा है कि आप एक किराना दुकान में जाते हैं आप एक किलो यू नो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं लेट से गेहूं उसका पर्टिकुलर रेट बता दिया जाता है काम खत्म आप लो और निकल जाओ लेकिन कभी सोचा है कि एक प्रोफेशनल अपनी फीस कैसे कोट करता होगा इस बात को सोचना चाहिए कि फी यू नो प्रोफेशनल कैसे डिसाइड करता होगा कि मैं इस काम के लिए इतनी फीस लूंगा या इस काम के लिए इतनी फीस लूंगा वो डिपेंड करता है टेबल ऑफ फीस के ऊपर जब भी कोई क्लाइंट आता है क्लाइंट बोलता है कि लेट से मुझे टैक्स ऑडिट करना है तो टैक्स ऑडिट सबमिट करने के लिए क्या गवर्नमेंट को कोई फीस देनी होती है तो सीए तुरंत जो भी प्रोफेशनल रहेगा तुरंत क्या करेगा बुक निकालेगा देखेगा, लेट से वहां पे अगर लिखा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट को फीस देनी होगी लेट से फाइव हंड्रेड रुपीज तो अब वो क्या करता है ये फाइव हंड्रेड रुपीज प्लस उसके जो भी कंसल्टेशन एंड प्रोफेशनल चार्जेस होंगे ये टोटल एड करके क्लाइंट को बताता है कि आपको इतना चार्जेस मिलेगा आया मजा तो जब भी आपसे कोई नादान सा बच्चा पूछ ले कि सर क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है उसको ना ना मुन्ना ना एक्ट में क्या क्या होता है एक्ट में सेक्शन होते हैं कितने सेक्शन है टू नाइनटी एट सेक्शन है फिर एक्ट के पीछे क्या होता है शेड्यूल होता है और शेड्यूल के पीछे क्या होता है बेटा अनेक्शर होता है सो so, अनेक्चर क्या करता है अनेक्शर मैक्सिमम केस में टेबल ऑफ फीस देता है या एक्सप्लेनेशन देता है फॉर एग्जाम्पल एक्ट में कई जगह पर वर्ड यूज कर दिया एस एस बी आई का फुल फॉर्म क्या होगा तो अनेक्स्टर में दे देते कि भैया जो सिनोनिम्स या एक्रोनिम्स हम लोगों ने यूज किए हैं या जो शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं इसका फुल मीनिंग क्या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो सारी चीजें के अंदर में दे दी जाती है तो एक्ट एक्ट के पीछे शेड्यूल शेड्यूल के पीछे अनेक्स्चर और ये तीनों मिलाकर के कंप्लीट पैकेज बनता है एक्ट का ये yes नो no? अब आप लोगों ने अगर नोट्स लिए होंगे तो अब नोट्स का हमारे पास सबसे पहला काम आ चुका है आप देख सकते हो सबसे पहले पेज के ऊपर जाओ जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना देखना राइट right? जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना देखना एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को देखिएगा द इनकम टैक्स एक्ट केम इन टू इफेक्ट ऑन वन फोर नाइनटीन सिक्सटी टू यह कब आया वन फोर नाइनटीन सिक्सटी टू को आया इट कंटेन ट्वेंटी थ्री चैप्टर्स एंड टू नाइन्टी एट सेक्शन इन ऑल यह बड़ा होकर एमसी क्यू बनेगा इसके लिए हाईलाइट करके रखना इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया जब मैं होल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूं आर्टिकल 370 था या नहीं था इससे इसका कोई लेन देन नहीं है Yes? नीचे के दो एंट्री मत पड़ी है वो आपको अभी समझ नहीं आएगी मेरे को अभी तक आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाना था इसके साथ साथ इसके साथ साथ आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे एक बार आपने तो सबसे पहले चैप्टर्स शेड्यूल इन तीन पार्ट के के ऊपर ऊपर। डिवाइड होता है। अब आते हैं सबसे मजेदार प्रोसेस चलिए किसी एक बच्चे का मुझे नाम चाहिए तो आप में से बताइए मैं किसका नाम लू पॉसिबल है तो कोई लड़का रहे तो ज्यादा बेहतर है मैं लड़की के नाम के साथ ये नहीं कर सकता एक्ट इसी के लिए तो जरा जल्दी से बताइए किशन चलिए साहब किशन किशन का नाम ले लेते हैं तो हुआ ये ध्यान से सुनिएगा आप कमेंट मत करो एक नाम लेने ले लिया किशन जतिन अनुज बिया लोकेश प्रिंस सब आ गए ठीक है सबके नाम अज्यूम कर लिया मैंने तो हुआ ये लेट से किशन नाम भी अच्छा है इसके लिए बहुत प्यारा है मेरा दोस्त भी है तो किशन ने हुआ ये कि एक दिन घर पे सो रहा था किशन क्या कर रहा था घर पे सो रहा था सब लोग स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि इसके आगे बड़े काम की चीज़ है किशन एक पहना नहीं आई मीन वो कपड़े पहन के बट वो उठा और अपने कपड़े थोड़े से ठीक किए किशन ने किशन गया किशन ने गेट खोला जैसे किशन ने गेट खोला वैसे ही सामने ऑफिसर बोलता क्या तकलीफ है इनकम टैक्स ऑफिसर बाजूवटिया आपके घर पे रेड़ पड़ी और जैसे ही वो अंदर गए तुरंत बेडरूम में गए और बेडरूम में जाके क्या दिखा पूरी चद्दर बिखरी पड़ी है सलवटे आई हुई है और उनने तुरंत चद्दर हटाया गोल्ड कॉइंस अचानक बाथरूम से पानी की आवाज आती है डिपार्टमेंट वालों को समझ में आता है कि दया कुछ तो हम्म कुछ तो गड़बड़ है तुरंत वो गेट खोले अंदर नल चालू था जब वहां की दीवारों को देखा गया दीवारें थोड़ी सी यू नो कमजोर लग रही थी दीवारों को फोड़ा गया अंदर से हां बहुत सारा कैश निकला वहां एक पर्दा था पर्दे के पीछे लग रहा था कोई है जैसे ही पर्दा हटाया बहुत सारा प्रॉपर्टी के पेपर थे तुरंत भागते भागते बाहर आए डिपार्टमेंट वालों को लगा कि वो वो जो पलंग है ना पलंग के नीचे कुछ है और ही पलंग के नीचे देखा उन्हें बहुत सारे फॉरेन करंसी मिले बेटा जो तुम समझ रहे हो ना मैं एंड तक नहीं बोलूंगा तो उसको बारे में सोचना बंद कर दो जो तुम सोच रहे हो ना मैं एंड तक बोलूंगा नहीं पर इतने में ही इतने में ही भाई साहब इतने में ही पर्दे के नीचे चप्पल दिखी लगा वो किसी के पैर के साथ है पर्दा हटाते ही बहुत सारे बहुत सारे करेंसी नोट और अदर चीजें मिली डिपार्टमेंट वालों ने कहा बधाई हो आप यहां रेड हुई है बधाई हो आप यहां रेड हुई है तो जो तुम सोच रहे थे ना वो था नहीं वहां पे। किशन एक अच्छा बच्चा है नाम किशन से कुछ गलत नहीं हो जाता किशन एक अच्छा बच्चा है ठीक है और जो तुम सोच तुम हो, तुम हो, रहे हो ना बेटा तुम डीटी पढ़ रहे हो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो बायोलॉजी इसका मतलब सार्टा खुश हुआ शाबासी दे कहा सोच के आए थे वे सार्टा खुश होगा शाबासी देगा ओ कहा जाने सीए फाइनल ओ रुको पहले इधर ध्यान दो सारे के सारे करप्ट माइंड सारे के सारे हंसे जा रहे हो शर्म कर लो थोड़ी सी बायोलॉजी नहीं चल रहा है डायरेक्ट एक्सेस चल रहा है तो हुआ क्या डिपार्टमेंट वालों ने किशन जगह किशन बधाई हो आप क्या रेड हुई है किशन कहता है देखिए मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया एम ए टैक्स मैन मैंने आज तक के ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप मेरे पे रेड कर दें और इसके पहली बार आपको पावर कहां से मिले कि आप मेरे घर में घुस सके वारंट दिखाइए इतना लॉ तो मैं भी समझता हूं किसने आपको पावर दिया मेरे घर के अंदर में घुसने का क्या हक था तुम्हें मेरे घर के अंदर में घुसने का तुम शायद जानते नहीं हो मैं हू कौन जरा मेरे बारे में गूगल पर डाल के देखो तुम्हें पता चलेगा और बहुत ऊंची पहचान है मेरी तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को किसने हक दिया तुम्हें मेरे अंदर घुसने का सवाल एक जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की तो भैया ये सब जो है ये यहां चलता रहता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो इससे डरना मत ठीक है ये अलग अलग रोल में प्ले करता रहता हूं सो द पॉइंट इज सवाल यह आया कि किसने हक दिया कि कोई आपके घर पे रेड कर सकता है आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता होगा जब आप इस बारे में सुनते होंगे इनकम टैक्स की रेड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पर एक सवाल आपके मन में जो कांस्टेंट जगना चाहिए वो ये कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर कहां से आया ऐसा कुछ करने का क्या इनकम टैक्स लगाना यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्योंकि देखिए अगर भारत में कोई भी लॉ बनता है तो उसकी मदर होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अगर आपको नहीं पता है तो इस बात को समझ लीजिए मजाक मस्ती बाजू रखिए कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए कि कोई भी लॉ अगर इंडिया में बनता है तो उसका मदर होता है कॉन्स्टिट्यूशन अब सवाल यह उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें हक देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हक देता है टैक्स कलेक्ट करने का और अगर देता है तो वो कहां लिखा हुआ है दिट इज वॉट वी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रजिस्टर में आइए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्टर नाउ वॉट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हम यह समझ रहे हैं कि क्या इनकम टैक्स के पास लीगल पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लीगल पावर है किसी चीज को देखने का इसकी वैलिडिटी के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले आर्टिकल नंबर 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें जाना होगा और ये आपके नोट्स के अंदर में लिखा हुआ है एवरे एवरीबॉडी एवरे टू पेज नंबर टू पेज नंबर टू पे आइए यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखा है पहला आर्टिकल लिखा आर्टिकल 265 डायरेक्ट आर्टिकल 265 के ऊपर आइएगा आई होप सभी लोगों में ये बात दी भी है आर्टिकल 265 मेरे साथ आप जहां कहीं भी हो जोर से आवाज निकाल के पढ़ेंगे नो no टैक्स वापस बोलिए नो टैक्स शेल बी लेवड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ वाह मेरे साथ साथ आपको लिखना भी है नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ ठीक है साहब यह बात भी समझ लेते हैं आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव कहता है नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इस बात को बड़े डीप में जाके समझना होगा आज हमें क्योंकि आज अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आपको सीए फाइनल छोड़ो जब तक के जिंदा हो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एक एक वर्ड को मेरे साथ बड़े डीप के अंदर में जाना है राइट तो सर नो टैक्स शेल बी लेव और कलेक्टेड एक्सेप्ट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एक एक-एक वर्ड को कवर करते हैं। सबसे पहला वर्ड यहां पे हमें देखने को जो मिलता है वो होता है टैक्स ठीक है कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा भारत का संविधान कहता है कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेविड लेविड मतलब इंपोज कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा और कलेक्टेड कलेक्टेड का मतलब क्या कलेक्टेड मतलब रिकवरी ऑब्लिक कलेक्शन ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा ना तो कोई टैक्स रिकवर किया जाएगा जब तक कोई अथॉरिटी ना हो और कोई लॉ ना हो एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब कोई भी टैक्स अगर लगाना है तो कोई अथॉरिटी चाहिए और साथ साथ में कोई ना कोई लॉ चाहिए उस एक्ट को लगाने के लिए उस टैक्स को लगाने के लिए जरा सोचिए क्या ऐसा हो सकता है निर्मला सीतारामन जी किसी दिन यू नो टीवी के ऊपर आई और उन्होंने आकर के कह दिया टू ऑल फ्रेंड्स आई एम ब्रिंगिंग अप न्यू टैक्स 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 कोविड क्या वो ऐसा कोई टैक्स लगा सकती है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं ऐसा कुछ करने से पहले आर्टिकल 265 देखते हैं कि क्या कभी कोई टैक्स लगाया जा सकता है तो आर्टिकल 265 हमसे कहता है कि कोई भी टैक्स किसी भी नाम से कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो उनने टैक्स का क्लासिफिकेशन नहीं किया सो so, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता इंपोज नहीं किया जा सकता आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता ना आपसे कलेक्ट किया जा सकता है ना रिकवर किया जा सकता है ना आप पे टैक्स लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है ना रिकवर किया जा सकता है जब तक कोई अथॉरिटी ना हो और कोई लॉ ना हो जिसका मतलब कल अगर फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलते हैं कि मैं आज से कोविड टैक्स लगा रहे हूं क्या वो लगा सकते हैं नहीं क्यों पहली बात तो ना अथॉरिटी है कोई यू नो बॉडी नहीं है और दूसरी बात उसको लगाने के लिए कोई कानून नहीं है तो सबसे पहली चीज जो लगती है वो लगता है कानून क्या लगता है बेटा कानून तो अब इसको पूरा आज का लेक्चर पूरा इन्हीं चीजों पे घूमेगा कि क्या इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है क्या क्या कोई पावर रखता है हमसे टैक्स कलेक्ट करने का तो सर इस एस्पेक्ट में हमें पता चला कोई भी टैक्स ना लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है यहां पे जब तक के कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो जब तक के क्या ना हो कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो अब इस बात को जरा ध्यान से देखते और डीप में जाते हैं सवाल उठता है अथॉरिटी कहां से आई तो इसका भी जवाब है इसका भी जवाब है अथॉरिटी मतलब कौन अथॉरिटी मतलब कौन तो इसका जवाब आया आर्टिकल 245 में आर्टिकल 245 ने कहा अथॉरिटी मतलब कौन ये लॉ जो बनाना है ये बनाएगा कौन ये अथॉरिटेटिव राइट्स किसके पास होंगे कानून बनाने के तो आर्टिकल 245 में आइए पेज नंबर टू पे दिया हुआ है आर्टिकल 245 में आइए वहां पे देखिए पार्लियामेंट

अगर ये स्टेट लॉ है तो स्टेट लॉ का जो लेजिस्लेचर है उसके थ्रू इसे जैसे स्टेट के भी अपने पर्टिकुलर लेजिस्लेचर होते हैं वो उसे क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे कोई भी लॉ इस वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन थोड़े से बड़े रखे गए हों अच्छा जी सर तो सबसे पहली बात क्या हुई ध्यान से सुनना आर्टिकल 265 ने कहा कि भैया हमें क्या हमें क्या चाहिए एक अथॉरिटी चाहिए अथॉरिटी मतलब कौन ये ढूंढने के लिए हम लोग गए आर्टिकल नंबर 245 के ऊपर तो वहां से हमें मिला पार्लियामेंट शैल मेक लॉ फॉर होल ऑब्लिक पार्ट ऑफ द कंट्री अब ईमानदारी से दिल से तुम सोच के देखो क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में इतने क्वालिफाइड लोग हैं या उनके पास सच में इतना टाइम है कि वो एक लॉ बना आंसर इज नो इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो लॉ पास करेंगे इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो उस लॉ को पास करेंगे यानी वो लॉ बनाएंगे नहीं वो इस लॉ को क्या करेंगे पास करेंगे अब इसके लिए क्या किया गया जब पार्लियामेंट के हाथ में पावर दिया तो इस पावर को उन लोगों ने क्या किया डिवाइड किया ध्यान से सुनिएगा कुछ पावर्स कुछ पावर्स एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए कुछ पावर्स एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास गए और कुछ पावर्स दोनों के बीच में डिवाइड हुए दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हुए हमारा जो पूरा का पूरा लॉ बना हुआ है जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर नहीं देता और यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी होता है तो कुछ पावर सेंटर को मिले कुछ पावर स्टेट को मिले और कुछ पावर दोनों मिलकर चलाएंगे ऐसी बात हुई कुछ पावर दोनों क्या करेंगे मिलके चलाएंगे ऐसी बात हुई हमने कहा ठीक है साहब अच्छा जी साहब इसके बाद क्या हुआ जैसे पार्लियामेंट ने पावर डिवीजन किए ध्यान से सुनना जैसे पार्लियामेंट किया हुए प्रभु यू नो पावर डिवीजन हुए तो कुछ पावर मिले किसको सेंटर को कुछ पावर मिले स्टेट को और कुछ पावर दोनों के बीच में क्या हुए डिवाइड हुए इसी एंगल में मैं आपको बता दू इसी एंगल में एक और आर्टिकल बना आर्टिकल नंबर 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन कौन से पावर किसको मिले ये एनलिस्ट हुआ लिखा गया कि कौन से पावर कौन लेगा आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन कौन से पावर किसके हाथ में होंगे तो सर इस पॉइंट को समझने के लिए कुछ पावर सेंटर के पास गए जो पावर सेंटर को गए उसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट कुछ पावर गए स्टेट के हाथ में, में जिसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट और कुछ पावर गए बोथ के हाथ में जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट ध्यान से सुनिएगा कुछ पावर रहे सेंटर के पास कुछ पावर रहे स्टेट के पास और कुछ पावर गए दोनों के हाथ में अब सवाल एक कि मैं मैं जो जो टैक्स टैक्स पे कर रहा हूं, मैं जो टैक्स दे रहा हूं हूं इनकम दे ये किसके हाथ में जा रहा है मतलब मैं सेंटर को मेरा टैक्स देता हूं जो मैं टैक्स देता हूं ये किसके हाथ में जाता है आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाता होगा यह मेरा टैक्स अच्छा नहीं 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 राहुल जी के हाथ में जाता होगा बराबर बराबर नहीं 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 नहीं, नहीं। ममता दीदी के हाथ में जाता होगा यह टैक्स नहीं 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 साहब योगी आदित्यनाथ जी के पास जाता होगा वो अपने मफलर वाले अरविंद केजरीवाल जी के पास जाता होगा सवाल एक कि पहली बात अगर मुझसे कोई टैक्स कलेक्ट करने का पावर रखता है तो वो कौन है मैं आपको बता दूं ये पावर दिया गया यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट है आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये वो पावर रखते हैं जो सेंटर के हाथ में है राइट right? और इसमें आया एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट व्हाट इज एंट्री नंबर एंट्री नंबर इज नथिंग जब पावर लिख रहे थे तो उस पर एटी नंबर के ऊपर इनकम टैक्स दिख रहा था और वहां पर लिखा था एंट्री नंबर एटी क्या करता है एंट्री नंबर एटी कहता है टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर बेटा ये बड़ा होकर एमसी क्यू बनेगा ये बड़ा होकर एमसी क्यू बनेगा जरा ध्यान से सुनना एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट डन तो जरा ध्यान से सुनिए किशन के घर पे रेड पड़ी थी हमारे मन में एक सवाल उठा कि आखिर ये रेड या टैक्स कलेक्ट करने का पावर डिपार्टमेंट के पास है क्या हमने देखा कि हाँ है क्योंकि आर्टिकल 265 कहता है कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक अथॉरिटी चाहिए लॉ की हमने देखा कि अथॉरिटी मतलब किस के पास है हमने समझ में आया पार्लियामेंट के पास है लेकिन पार्लियामेंट आप सभी को पता है यू नो पार्लियामेंट मतलब एक्जैक्टली exactly लॉ बनाता है या नहीं वो पास करता है तो कुछ चीजों के पावर को डिवाइड किया गया सेंटर स्टेट और दोनों के बीच में इसमें सेंटर के पास एक पावर आया यूनियन लिस्ट के अंदर में एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 82 वो पावर है जो सेंटर को क्या कलेक्ट करने का पावर देता है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर देता है तो पहले सवाल का जवाब कि क्या इनकम टैक्स किशन या ऐसे किसी भी व्यक्ति से कलेक्ट किया जा सकता है क्या आंसर इज यस पावर कहां से आता है एंट्री नंबर एटी टू द यूनियन लिस्ट क्योंकि उन्होंने कहा टैक्सेस ऑन इनकम हर तरह की इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास है अदर देन ऑन एग्रीकल्चर अदर देन ऑन एग्रीकल्चर अदर देन ऑन एग्रीकल्चर अब आप यह पूछेंगे कि सर अदर देन ऑन एग्रीकल्चर लिखा है सर क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं है नहीं ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास नहीं है सर तो किसके पास है स्टेट एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स टू द स्टेट लिस्ट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम जी हा सेंटर एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं रखता स्टेट रखता है एज ऑफ नो इंडिया के किसी भी स्टेट ने नहीं है हालांकि इंडिया में तीन स्टेट ऐसे थे जिन्हें एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट किया है गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका यह तीन स्टेट ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर पे भी टैक्स कलेक्ट किया है बट एज ऑफ नाउ पूरे इंडिया के अंदर में कहीं पे भी यू नो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता पर हां पावर है कभी भी इंपोज किया जा सकता है गेटिंग इट और नॉट सो एंट्री नंबर टू लिस्ट तो अब एक सवाल किशन का जो सवाल था कि क्या आपको इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर है क्या हम सबका कॉमन जवाब क्या आना चाहिए ये yes! जल्दी से कमेंट करके बताओ इनकम टैक्स कौन से एंट्री नंबर के हिसाब से आता है एवरीबॉडी जल्दी से एवरीबडी जल्दी से आ जाओ भाई फटाफट आपके सामने मैं स्क्रीन भी रख देता हूं कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा है एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट शानदार बेटा बहुत सही जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो डन मालिक अच्छा अब एक सवाल आपके मन में और आता है आपने कहा पार्लियामेंट किसी भी लॉ को पास करेगा बड़े बड़े डीप में हूं साहब मैं बहुत डीप में हूं बिल्कुल मत हटना बिल्कुल मत हटना ध्यान से सुनना आपने कहा अथॉरिटी तो अब तो हमें अथॉरिटी समझ में आ गई सर अथॉरिटी तो हमारे बिल्कुल क्लियर दिमाग में आ गई कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ को पास करेगा ठीक है पार्लियामेंट कोई भी लॉ को पास करेगा अब सवाल एक और आता है सर लॉ कैसे बनता है ये तो आप तब की बात कर रहे हो सर जब पार्लियामेंट सेशन में है अरे भैया पार्लियामेंट सेशन में है तब तो लॉ बन जाएगा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या लॉ नहीं बन सकता मेरे सवाल का जवाब डीप में जाना और लिखना हाउ लॉ इज मेड जरा समझना लॉ बनता कैसे है एक आर्टिकल 245 वेन पार्लियामेंट इन सेशंस अब भैया एक जवाब तो बड़ा क्लियर हो गया कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है क्योंकि आपको पता होगा पार्लियामेंट बारह महीने नहीं चलती पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट के अंदर में लोग बैठेंगे बिल को डिस्कस करेंगे असेंट लेंगे एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट सिग्नेचर इज जस्ट द नेक्स्ट प्रोसीजर मेन है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से क्लियर होना जो हमने आर्टिकल टू फोर्टी फाइव में देख लिया अब ये तो तब की हो गई जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में है अब मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या कानून नहीं बन सकता ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2019 और 2020 में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तो भी कानून बना और इसलिए मुझे आपको इसकी वैलिडिटी बतानी जरूरी है कि पार्लियामेंट सेशन में अगर ना हो तो क्या कोई लॉ नहीं बन सकता क्योंकि आप इसके भुगत भोगी रहेंगे अमेंडमेंट के 2019 में भी ऐसा हुआ 2020 में भी ऐसा हुआ तो चलिए डिस्कस करते हैं कोई बता सकता है मुझे पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो लॉ बन सकता है क्या और अगर हां तो कौन बना सकता है वाह भैया जतिन भास्कर कृतिका किशन जी जिनके ऊपर ये पूरा एग्जाम्पल चल रहा है ये सब सही जवाब दे रहे हैं प्रगति ने भी दिया सुगन्धा ने भी दिया तेजस्वी भी सही कह रही है हर्षिता ने भी कहा वंश ने भी कहा वेरी गुड बेटा इधर देखो आपने बिल्कुल सही कहा आर्टिकल 245, फोर्टी फाइव वेन सेशन जब पार्लियामेंट सेशन में हो और देश को कानून की जरूरत पड़ रही है पार्लियामेंट लॉ को पास कर देता है बट अगर वो नहीं है तो क्या यूज होता है तब यूज होता है आर्टिकल 123 ट्वेंटी थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर मेरे को एक बात बताओ हम लॉ पढ़ रहे हैं या टैक्स पढ़ रहे हैं? बेटा टैक्स एक लॉ है और इसीलिए आपको पहले इसकी बहुत डीप में जाके पॉइंट समझने की जरूरत है कि अगर कोई चीज ऐसी है तो वो क्यों है मंत्र तो याद होगा पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो क्योंकि आज जब जाके आज अपने दोस्तों के साथ आप चैलेंज करके ये बातें कहेंगे या इस डीप में डिस्कस करेंगे आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा सर उस क्लास का कोई मजा नहीं जहां पे आप बस पैसे दे दे मैं पढ़ा दू काम खत्म हो जाए और मिलकर ये रिलेशन को डेवलप करना है बहुत लंबे तक के लेके जाना है पार्टनरशिप में आगे बात करनी है तो ध्यान से सुनिएगा साहब क्योंकि आपका अगर गोल सिर्फ आप आर्टिकल बनने तक का है या लेट्स से मेरे फॉर्म में आर्टिकल बनने तक का है तो आपके गोल बड़े छोटे हैं लेट्स गो फॉर अ पार्टनरशिप गोल कि हम पार्टनरशिप बनाए और तगड़े लेवल पे पार्टनरशिप बनाए बिग फोर लेवल का एक और बिग फाइव क्यों नहीं हो सकता बिग हमेशा फोर ही क्यों होगा बिग फाइव भी हो सकता है लेट्स मेक अ बिग फाइव विजन आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 245 पार्लियामेंट सेशंस में है लॉ उस तरह से बनेगा अगर पार्लियामेंट सेशंस में नहीं है तो बॉस आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज होता है आर्टिकल 123 किस बात का पावर देता है टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट इसके दो क्लियर एग्जांपल है 2019 एज वेल एज टू थाउजेंड ट्वेंटी इसके दो बड़े क्लियर एग्जाम्पल है टू थाउजेंड नाइनटीन और टू थाउजेंड ट्वेंटी जरा इस बात को समझ के देखते हैं आर्टिकल 123 किसे पावर देता है कई बार देश को जरूरत पड़ती है कोई नए लॉ लाने की या कुछ इमीडिएट एक्शंस की पार्लियामेंट सेशंस में नहीं है तो जो मिनिस्टर होते हैं कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोमोलगेट कीजिए एक ऑर्डिनेंस और नए चीज को हमें तुरंत आज से अभी से लागू करना होगा वो तुरंत प्रोमोलगेट करते हैं एक ऑर्डिनेंस को 2019 में ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके काम की चीज है ये बहुत सारी चीजें आगे कनेक्ट करती है इसीलिए ध्यान से तो सुनिएगा हिस्ट्री हर चीज की मैं आपको बताऊंगा सर डीप में ध्यान से तो सुनिएगा हुआ क्या था 2019 था इलेक्शन की बात चल रही थी 2019 था इलेक्शन की बात चल रही थी मोदी गवर्नमेंट 2.0 के लिए लड़ रहे थे और हुआ ये कि जब मोदी 2.0 आया इसके पहले मोदी सरकार के कई डिसीजन हुए नोटबंदी जीएसटी और ऐसे अन्य बड़े डिसीजन लिए गए जिसके कारण लोगों का कहना आया कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया वन सच बिग डिसीजन इज कि इंडिया को फ्यूल फ्री करना और हम काहे पे जाएंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर स्लोडाउन आया वो था yes, आप अपने से उनने अगर कभी में इन्वेस्ट किया था ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के अंदर में, में इसलिए आ गया था क्योंकि इंडिया ने कमिट कर दिया था कि 2030 तक पेट्रोल और डीजल के सारे व्हीकल को हटा करके ई व्हीकल के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे ई व्हीकल के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे और इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे जैसे मारुति हो गया होंडाई हो गया जो इंडिया में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हम रखते हैं इनको बहुत बड़ा स्लोडाउन आया और इससे बाकी के एंसिलरी इंडस्ट्री इंपैक्ट होना शुरू हो गए 2009 हजार नौ इलेक्शन तो हम दो इलेक्शन तो हम लोग जीत चुके थे दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत चुका था लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन था इकोनॉमिक स्लो डाउन इतने बड़े लेवल पे था क्योंकि एक से इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है सितंबर 2019 सितंबर 2019 को निर्मला सीतारामन जी ऑर्डिनेंस लेकर के आई जिससे सरचार्ज के रेट चेंज किए गए अभी आपको आगे मिलेगा सरचार्ज के रेट चेंज किए गए कंपनी के के टैक्स रेट्स अंदर में डिस्काउंट्स दिया गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के टैक्स रेट्स के अंदर में डिस्काउंट्स दिया, दिया गया अच्छा ये तो हुई 2019 की बात 2020 में ऐसा क्या हो गया 2020 में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं एक फरवरी 2020 को बजट आया हमने डिस्कस किया है उसके बाद आ गया कोविड सिचुएशन कोविड सिचुएशन आ गया तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा इनकम पे और इनकम पे पड़ना था तो टैक्स का तो इफेक्ट आना ही था इसीलिए टैक्सेशन अदर रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2020 आया जैसे कि मैं कह रहा था कि मार्च में जो चेंजेस आए हैं वो यही थे तो 2019 और 2020 दोनों जगह ऑर्डिनेंस लाया गया स्पेशली तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था अब समझ में आया पूरा कनेक्शन मालिक मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है हिस्ट्री डीप कंसेप्ट एक एक पॉइंट की हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं तो आज जब हमें पढ़ना है तो आप मुझे बताइए क्या हम सिर्फ फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी पढ़ेंगे ना मुन्ना ना टैक्सेशन अदर रिलैक्सेशन प्रोविजंस भी हमें पढ़ने होंगे जो मैं आपसे कह रहा था वो ये पॉइंट था

पावर ऑफ प्रेसिडेंट अच्छा एक और बात चलिए आई गई हैं तो बात कर रहे हैं तो जरा डीप में करते हैं सर ये जो ऑर्डिनेंस लेके आया क्या ऑर्डिनेंस एक्ट होता है ध्यान से सुनिए क्या ऑर्डिनेंस एक्ट होता है आंसर इज नो ये एक्ट के जैसे वर्क करता है मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो इसका एक फॉर्मल अप्रूवल लेना पड़ता है दो बातें होंगी एक पार्लियामेंट में इसको अप्रूवल मिल गया तो ये एक्ट बन जाता है तब तक के अप्रूवल नहीं मिलता तब तक के तो ये एक्ट का रोल प्ले करता ही करता है क्योंकि इसको बिल्कुल उतनी वैलिडिटी मिलती है जितनी एक्ट को मिलती है दूसरी बात हो सकती है पार्लियामेंट में ये रिजेक्ट हो गया ये जो ऑर्डिनेंस आपने लेके आए पार्लियामेंट में ये रिजेक्ट हो गया अब क्या होगा ये वहीं के वहीं एंड हो जाएगा तो ये इसके इंपैक्ट होते हैं आइए साहब पेज नंबर वन पे फिर से चलते हैं क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट Power of President to promulgate ordinance during the recess of parliament. The parliament sessions may naho or law to president. If at any time except when both houses of parliament are in session, president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinance as appear to him. An ordinance promulgated under this article. शेल हैव द सेम फोर्स एन इफेक्ट एज एन एक्ट इसको उतना ही फोर्स और उतना ही इम्पैक्ट मिलेगा यस नो बट इन एवरी ऑर्डिनेंस शेल बी लेड बट बट ये बट 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 बड़ा बट कर रहा है ध्यान सुनिएगा बट सच ऑर्डिनेंस शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ सिक्स वीक फ्रॉम द रीअसेंबल ऑफ पार्लियामेंट और इफ फोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड डिसअप्रूविंग इट आर पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम सिक्स वीक्स तक के चल सकता है जब से पार्लियामेंट रीअसेंबल हुआ या फिर उसके पहले डिसअप्रूव हुआ तो वही खत्म हो जाएगा इट मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट अगर लगता है तो प्रेसिडेंट इसे कभी भी विद्रॉ भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन वेयर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स राइट इफ सो फार ऑर एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मे मेक प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कंपीटेड टू एनेक्ट इट शैल बी वॉइड ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस बनाया गया जो पार्लियामेंट सेशन में होती तो भी नहीं बना पाती तो ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा यहीं से अभी ऊपर आइए अब आप इस लाइन को समझ पाएंगे एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंट्री नंबर 82 टू टू द यूनियन लिस्ट ये बड़े होकर एमसीक्यू बनेंगे एंट्री नंबर 82 टू टू यूनियन लिस्ट टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर अब समझ आया वहां पे क्या लिखा है किसके पास पावर है एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 46 बड़े होकर एमसीक्यू बनने का पावर रखता है एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट किस बारे में बात करता है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स यस yes, प्रभु चलो सो so, अभी तक हमने क्या पढ़ा एक्सटेंड पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ते वक्त आर्टिकल 123 आर्टिकल 265 आर्टिकल 245 ये बातें करी हम लोगों ने अब और भी बातें करेंगे अच्छा जी अच्छा जी सर वापस आ जाते हैं कहां पे जहां से हमने शुरुआत किया था बड़े डीप के अंदर में हम हुआ क्या था पूरी स्टोरी वापस से रिपीट कर देता हूं फटाफट ध्यान में आ जाएगा किशन जी के घर पे रेड़ पड़ी थी किशन कुमार जी के घर पे रेड़ पड़ी थी तो किशन जी के घर पे जैसे ही रेड पड़ी हम लोगों के मन में एक सवाल उठा कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पावर है कि वो क्या कर सकते हैं टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं हमने कहा ठीक है सर पावर है तो बताओ कहां है आर्टिकल 265 में गए वहां पे पहला वर्ड और तोड़ और तोड़ हम तोड़ते जा रहे हैं नो no टैक्स ना इंपोज किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है ना इंपोज किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ अथॉरिटी भी चाहिए लॉ भी चाहिए अथॉरिटी भी चाहिए लॉ भी चाहिए अथॉरिटी और लॉ ये समझने के लिए हमने आर्टिकल 245 और 123 की मदद ली कि अथॉरिटी किसके पास है पार्लियामेंट फिर सवाल उठा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या तो आर्टिकल 123 आया जिसने क्या लेकर के आया मालिक हमें पावर दिया कि ऐसे नहीं तो ऐसे अब ये जो पावर है ये किसके पास है ये डिवाइड किए गए हैं सेंटर स्टेट और बोथ के बीच में सेंटर स्टेट और बोथ के बीच में तो इनकम टैक्स जो आप पे करते हैं वो सेंटर के पास है तो जो सवाल था किशन जी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि क्या पावर है तुम्हारे पास टैक्स कलेक्ट करने का तुम्हें पता है मैं कौन हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बी लाइक बाप को मत सिखाज एंट्री नंबर एटी पढ़ और अगर तू नहीं पढ़ सकता तो विजय सर के पास जाके पढ़ तो सर समझ में आया हा या हाँ, जल्दी से बोलो हाया हा इस तरीके से टैक्स कलेक्शन एंड इंपोजिशन का पावर आया अब यहीं पे रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ एक और सवाल उठा के सर ये तो बन गया हम बात कर रहे हैं नो no टैक्सेस फिर से एक बार मेरे साथ आप जहां कहीं भी हैं आवाज जोर से निकालें नो no टैक्सेस कैन बी लेड और कलेक्टेड फिर से कहें क्या कह रहा हूं मैं नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड फिर से कहें क्या कह रहा हूं नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ अब मेरे मन में एक और सवाल उठा बहुत जोर से सवाल उठा मेरे मन में कि ये टैक्स मतलब क्या हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं सर टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है क्या नीचे जाइए फिर से लिखिए टैक्स चार्ज सेस हम जब टैक्स की बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने का पावर तो हमें व्हाट इज टैक्स टैक्स इज अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑन द इनकम earned। अब आप यह पूछेंगे कि सर सरचार्ज क्या होता है सरचार्ज में लिखे सरचार्ज इफ एनी यह सरचार्ज क्या होता है क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है ना मुन्ना ना तो सर यह सरचार्ज क्या होता है तो बेटा सरचार्ज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं सरचार्ज टेक्निकली इज अ टैक्स ऑन टैक्स या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं एडिशनल टैक्स आपको पता है इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव बेसिस पे वर्क करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाता है बोलो हाँ या हाँ, हा करेक्ट तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है वैसे वैसे, वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है बस उस एंगल पे हम बात करते हैं किसकी सरचार्ज की तो आइए सरचार्ज क्या होता है सर आपके मन में भी आता होगा ना कि हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो यू नो इतने सारे अमीर आदमी बैठते हैं उनसे टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट करते हम जैसे गरीबों से टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है ये मन में सवाल आता है इस सवाल का जवाब सरकार देती है सरचार्ज के नाम से जी हाँ आपको बेफिक्र रहना है जो अमीर है वो एक्स्ट्रा ही टैक्स पे करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव बेसिस पे वर्क करता है सरचार्ज टैक्स के ऊपर एक और परसेंटेज कलेक्ट किया जाता है रॉबिन हुड पांडे जैसा काम है साहब अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे यही बात 2014 में एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी कि हम कुछ इस तरह के कानून का बनाएंगे कि हम अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे जब आप सरचार्ज के रेट पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह बात सच है या नहीं है सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स सवाल आता है कि ऐसा कुछ कलेक्ट करने का भी पावर है क्या हमारे पास क्या भारत सरकार को यह पावर है कि वह टैक्स पे और टैक्स कलेक्ट कर सके क्योंकि आप सोचिए अमीर आदमी क्या बोलेगा इमेजिन कीजिए इमेजिन कीजिए राइट मैं एक बड़ा एक्टर लेट से करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है करोड़ों रुपए में ऑन करता हूं एक बात को समझ के चलिए हालांकि मैं पूरी चाहूंगा कि ये जल्दी से हो अब करोड़ों रुपए की पैसे आए मेरे पास अब मैं सरकार से क्या कहूंगा जरा सोचिएगा सरकार मैं मैं कहूंगा सर देखिए ये बहुत मेहनत करके एक्टिंग से मैंने पैसा कमाया है आप मुझसे टैक्स कलेक्ट कीजिए ये सरचार्ज और चार्ज क्या है आप समझ नहीं रहे हैं अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे सर एक मिनट चिल मैं क्यों दू मैं डोनेशन क्यों दू भैया मैं मेरी मेहनत का कमा रहा हूं और इसमें गलत क्या है मैंने कुछ दिमाग लगाया मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई और कुछ मैंने वर्क किया जिसके कारण मैं अमीर हूं इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि आप मेरे से टैक्स क्यों पर टैक्स ले लोगे ये तो ना इंसाफी है जुलूम है जुलूम आप समझ नहीं रहे हैं भाई और बहनों जुल्म नहीं है मेरे सारे देशवासियों को बेनिफिट मिलना चाहिए एक मिनट मेरे सगे थोड़ी नहीं लग रहे हैं मैं किस बात का बेनिफिट दू मेरे प्यारे देशवासियों अगर हर एक व्यक्ति की सोच ऐसी हो गई तो भारत की अखंडता और एकता पे तकलीफ आएगी मैं नहीं दे रहा ये ये बात, सारी बातें मेरे को मत बताओ मैं नहीं दे रहा अगर ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति जो ज्यादा कमा रहा है ज्यादा टैक्स नहीं देगा तो सिस्टम में देश के अंदर में इक्वालिटी नहीं आ सकती वो कहता है मैं नहीं दूंगा ऐसा ऑप्शन उसके पास है क्या आंसर इज नो क्या सरचार्ज लगाया जा सकता है आंसर इज यस कौन देता है सरचार्ज लगाने का पावर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन सर मुझे ईमानदारी से बताओ मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं इनकम टैक्स में ऐसा क्यों लिखा है उसको पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है जी हां आर्टिकल 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है सरचार्ज लगाने का देश के अंदर में एक लाने का देश के अंदर में इक्वालिटी लाने का ये पावर देता है सरचार्ज आर्टिकल 271 आइए देखते हैं कि ये जो अमीर आदमी ये विजय सारडा जो अमीर आदमी ये कह रहा है कि वो नहीं देना चाहता ऐसा कोई ऑप्शन है क्या उसके पास ये ऑप्शन बनेगा नहीं पेज नंबर तीन पे आइए पेज नंबर तीन पे आके आपको आर्टिकल टू सेवेंटी वन दिखेगा पेज नंबर तीन पे आइए आर्टिकल टू सेवेंटी वन दिखेगा जरा इधर देखिएगा नॉट विथ स्टैंडिंग जो वर्ड है ना ये वर्ड कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कहीं कुछ भी किधर भी जो भी कुछ लिखा हो सबको बाजू करो राइट इन शॉर्ट मैं किसी की सुनने वाला नहीं है बाजू करो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल टू सेवेंटी टू सेवेंटी में क्या लिखा है तिल लगाने गया पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस के मतलब इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस अच्छा इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस रेफर टू इन दो आर्टिकल बाय सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन ओए 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 मेरे दिमाग में और सवाल आ गए पहला आर्टिकल 270 सेवेंटी पार्लियामेंट एट एनी टाइम द सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन एंड द होल ऑफ सरचार्ज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लो साहब मेरे जहन में चार सवाल और आ गए बताता हूं क्या क्या इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि साहब क्या सरचार्ज लगाने का पावर हमारे पास है आंसर इज यस सरचार्ज लगा सकते हैं ये जो अमीर आदमी है ना जो कह रहे हैं कि सर मैं नहीं दूंगा वो मेरे कोई नहीं लगते भैया आपने बचपन से एक कसम खाई थी ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर बस उस कसम को याद करके आर्टिकल 270 सेवेंटी तुमा, टू सेवेंटी वन तुम्हारे ऊपर छापा गया है तुमने ज्यादा पैसा कमाया तुमसे ज्यादा वसूला जाएगा गेम ओवर नया घड़ी नया राज गेम ओवर यस तो सर टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस सर क्या सीई एस एस सेस अब जरा ध्यान से सुनिए ये सेस मतलब क्या होता है टैक्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज सर सरचार्ज कितना होता है क्या होता है ये आज के हमारे डिस्कशन ने पहले वर्ड समझो फिर उस वर्ड को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये समझेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस अब आप ये पूछेंगे कि सर ये सेस क्या होता है सर होता यह है कि सरकार को कई बार कुछ पर्पस पूरे करने होते हैं ध्यान से तो सुनिएगा सरचार्ज के अलावा सरकार को कई स्पेसिफिक पर्पस पूरे करने होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिकली पैसा उसी चीज के लिए आए और पैसा उसी चीज के लिए अप्लाई किया जाए तो सरकार सेस लगा सकती है आज इसे हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसे हम प्यार से कहते हैं एच ई सी ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी सेस टैक्स और सरचार्ज के अमाउंट पे लगता है डन सर अच्छा सर मुझे एक बात बताइए यह सरकार का एक एडिशनल पावर है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं मिलेगा टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस तो जब हम टैक्स लगाने की बात करते हैं तो टैक्स का मतलब क्या क्या सरचार्ज और सेस लगाया जा सकता है नहीं यह भी अथॉरिटी ऑफ लॉ के अंदर में लिखा होना चाहिए नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड टैक्स मतलब क्या हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं नहीं हम टैक्स की भी बात कर रहे हैं हम की भी बात कर रहे हैं हम सेस सेस की भी बात कर रहे हैं सेस आज के तारीख में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात कर रहे हैं तो जरा इमेजिन कीजिए डिपार्टमेंट गया उसी अमीर आदमी के पास फिर से उस अमीर आदमी के पास गया डिपार्टमेंट हाँ भाई लाओ चलो चलो तुमने टैक्स तो दे दिया सरचार्ज भी दे दिया आप सेस दो चलो लाओ जल्दी से मुझे सेस चाहिए जल्दी दो जल्दी दो क्या क्या चाहिए सीई एस एस सेस चाहिए जल्दी से दो एक मिनट तुम ना एक नंबर के चूनाबाज आदमी हो पहले तुमने टैक्स लगाया टैक्स के ऊपर तुमने सरचार्ज लगा दिया कह दिया पार्लियामेंट कह रहा है और इतने बेसर हो फिर से आ गए हो काय के लिए सेस कलेक्ट करने के लिए अब क्या है जरा ये समझाओ ये जो नया फंडा आप लेके हो ये भी तो समझाओ कि आखिर ये है क्या सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले इसका नाम हुआ करता था सिर्फ एजुकेशन सेस भारत सरकार को कुछ पर्पस पूरे करने होते हैं यह हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए सबसे पहले होता था सिर्फ एजुकेशन सेस सबसे पहले होता था सिर्फ एजुकेशन सेस आपको पता है भारत सरकार दो स्कीम चलाती है शिक्षा अभियान मिड डे मील स्कीम कभी सोचा है इसके लिए पैसा कहां से आता है ये पैसा आता है सेस से जी हां ये पैसा आता है सेस से क्योंकि एजुकेशन के अब वो अमीर आदमी अरे किसका एजुकेशन कौन सा है एजुकेशन बच्चों का एजुकेशन साहब बच्चों का एजुकेशन आप अपने टैक्स से गरीब बच्चों का एजुकेशन कर रहे हैं अरे किसके बच्चे कौन से बच्चे मेरी तो शादी भी नहीं हुई देश के बच्चे तुम्हारे या किसी और के नहीं देश के बच्चों के लिए कर रहे हो तुम ये काम मेरा उनसे क्या संबंध मतलब खाया पिया कुछ नहीं और दे रहा हूं मैं चार परसेंट का सेस ऐसा हां हर बार ये इतने सेल्फिश नहीं हुआ करो मेरा 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 इतना सेल्फिश मत हुआ करो लाइफ में तुम्हें देना है बस काम खत्म चार परसेंट का सेस लगाया जाता है एजुकेशन से जो होता है ना सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील स्कीम ये यहां से पैसा आता है स्पेसिफिक देखिए टैक्स और से जो पैसा आता है ये भारत सरकार कहीं पे भी यूज कर सकती है राइट तो सर टैक्स और सरचाज का जो पैसा है ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है लेकिन सेस का पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जिस पर्पस के लिए ये मंगाया गया है तो सर स्पेसिफिक पर्पस एक था एजुकेशन 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी जी का अगर आप स्पीच सुनेंगे तो उसके अंदर में उन्होंने कहा हेल्थ इज ऑल्सो अवर प्रायोरिटी और इसी के तहत, इसी के के तहत, तहत क्या किया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा गया कि एक परसेंट सेस और बढ़ाए और एक परसेंट हेल्थ की तरफ आप डाइवर्ट करें और इसीलिए आज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फोर परसेंट है फोर परसेंट आप समझ रहे हैं इस बात को फोर परसेंट पहले ये होता था थ्री परसेंट एजुकेशन सेस वन परसेंट हेल्थ सेस अब इन दोनों को क्लब कर दिया गया है हेल्थ एंड के नाम से और डायरेक्टली फोर परसेंट इंपोज किया जाता है ये सोनो सर एक सवाल है इस सवाल को जवाब आपको बहुत जरूरी है जरा ध्यान से सुनिएगा सर जितना पैसा आता है क्या पूरा का पूरा सेंटर रख लेता है स्टेट को कुछ नहीं देता ऐसा नहीं होता क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे आप आगे जाके पढ़ेंगे अभी तक का आपका नॉलेज इतना ही है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं देना होता आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स देना होता है जी हाँ एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स देना होता है और उस केस में सेंटर और स्टेट को टैक्स डिवाइड करना होगा तो क्या सेंटर और स्टेट टैक्स डिवाइड करते हैं आंसर इज यस पर मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा वो जो डिवाइड करते हैं वो होता है टैक्स सरचार्ज डिवाइड नहीं होता मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनिए मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनिए साहब हमने देखी तीन चीजें टैक्स सरचार्ज सेस क्या टैक्स डिवाइड होता है टैक्स कहां जाता है टैक्स इज चलिए और डीप में जाता हूं और बेसिक में जाता हूं आप जो टैक्स पे करते हैं कहां जाता है यह जाता है गवर्नमेंट के एक फंड में जिस फंड को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आप जो सरचार्ज भी कलेक्ट कर रहे हैं यह कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये भी कहां जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यह सारा पैसा भारत के राजस्व में जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये सोनो अब जरा बात सुनिए टैक्स जो होता है टैक्स इज डिवाइडेड ध्यान से सुनिएगा भारत सरकार दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलना होता है और स्टेट गवर्नमेंट को रन करने के लिए पैसा देना होता है पैसा तो सेंटर पर कलेक्ट हो रहा है तो इसे स्टेट में बांटा जाता है कौन बांटता है प्रेसिडेंट बांटता है उस स्टेट की नीड के हिसाब से यह बांटा जाता है टैक्स इज डिवाइडेड सरचार्ज इजेप्ड ओनली बाय यूनियन ये बड़ा हो गया एमसीक्यू बन सकता है सरचार्ज डिवाइड नहीं होता जो डिवाइड होता है वो टैक्स होता है सर ऐसा कौन कहता है आर्टिकल 270 आज का लास्ट आर्टिकल आर्टिकल 270 कहता है व्हाट इज टू बी डिवाइडेड इज टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सरचार्ज डिवाइड नहीं होता आर्टिकल 271 को फिर से एक बार पढ़िए पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा बहुत डीप में है हम लोग साहब बहुत डीप में है राइट right? कोई बच्चा अभी आया होगा लाइफ के अंदर में बेटा मता कल से लेके आज तक के पहले पूरा पढ़ना आर्टिकल 271 को डीप डाउन फिर से पढ़ो पेज नंबर पे लिखा हुआ होगा नॉट एनी स्टिंग इन आर्टिकल टू सेवेंटी पार्लियामेंट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन सरचार्ज फॉर द परपज ऑफ यूनियन सरचार्ज डिवाइड नहीं होता ये यूनियन द्वारा ही रखा जाता है आज जाना अपने दोस्त भाई यार रिश्तेदार से पूछना बता सरचार्ज कौन रखता है उसको जवाब नहीं आएगा तुम उसे बताओगे आर्टिकल देख करके कि बेटा ये देख आर्टिकल सरचार्ज को सिर्फ और सिर्फ यूनियन रखता है उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे बोलेगा भाई रिस्पेक्ट सरचार्ज सिर्फ यूनियन रखता है समझ में आया मैं, मैं आपसे सवाल क्या कह रहा था और ये पूरा पैसा सरचार्ज का भी कहां जाता है इट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये सारा टैक्स जहां कलेक्ट होता है ना उस अकाउंट को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जाता है पर्पस मतलब सरचार्ज सिर्फ यूनियन रखता है अब आपके मन में कुछ नालायकों के मन में तीसरा सवाल आया सर टैक्स डिवाइड होता है ये कहां लिखा है आर्टिकल 270 फिर ऊपर चलो पेज नंबर 2 पे आ जाओ आर्टिकल 270 लिखा हुआ दिख रहा है हर चीज तुम्हारी बुक में कहीं जाने की जरूरत नहीं आर्टिकल 270 क्या कह रहा है ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शेल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जितने भी टैक्सेस है जितनी भी ड्यूटीज है ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी कलेक्ट करेगी और बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में यूनियन और स्टेट के बीच में

वो डिवाइड करना है क्योंकि आर्टिकल 271 ने पहले ही लिख दिया ये डिवीजन वाली बात जो आर्टिकल 270 में लिखी है उसको बाजू करो सरचार्ज तो सिर्फ यूनियन रखेगा और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा आता कैसे ये और नो सर प्लीज मुझे बताओ आपने इतना ज्ञान समंदर दे दिया मैं हूं कहां बता रहा हूं शुरुआत करी थी आज के लेक्चर के हम लोगों ने केस लॉ से कल लॉ इंटरप्रेटर पढ़ा लॉ इंटरप्रेटर से केस बना। केस लॉ लॉ बना में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कि केस लॉ में आखिर जीतता कौन है हमने पता किया कि पहले एक्ट फिर 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 केस लॉ फिर कस्टम फिर हमने पढ़ा एक्ट के अंदर में सिर्फ एक्ट होता है आंसर इज नो एक्ट के पीछे शेड्यूल होता है उसके पीछे अनेक्शर होता है फिर हम किशन के घर पे गए किशन के घर पे जब रेड पड़ी और हमें बहुत सारी चीजें दिखी एक्सेप्ट वो जो हमें दिखना चाहिए था तो हमारा सवाल उठा क्या इनकम टैक्स टैक्स कलेक्ट करने का पावर रखता है तो हम गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर लॉ की जननी इंडिया के अंदर में आर्टिकल 265 नो no तो मतलब no लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब लॉ भी चाहिए, चाहिए पास है पार्लियामेंट पार्लियामेंट सेशन में ना हो टोर्टी फाइव और वन ट्वेंटी थ्री टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या हुआ फिर हमने देखा आर्टिकल 246 ने टैक्स कलेक्ट करने का पावर डिवाइड किया हुआ है कुछ सेंटर के बीच में कुछ स्टेट के बीच में और कुछ बोथ के बीच में एंट्री नंबर 82 टू टू दूनियन लिस्ट इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर हमें देती है एंट्री नंबर फोर्टी टू द स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट करने का पावर देती है टैक्स डिवाइड होता है आर्टिकल 270 के हिसाब से सरचार्ज डिवाइड नहीं होता ऐसा आर्टिकल 271 कहता है सेस तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है तो इसके डिवीजन का कोई सवाल ही नहीं आता यस yes, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो जाता है गेम ओवर मजा आया मालिक चलिए बहुत बेहतर अब आप नोट्स देख सकते हैं पहले पेज पे आ जाओ हमने एक्सटेंड ऑफ इनकम टैक्स पढ़ लिया हाउ लॉ वर्क में अभी भी नहीं पढ़ा रहा हूं दो मिनट रुका हूं पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ी आर्टिकल 123 265 245 270 271 हर चीज के पीछे का एक एक लॉजिक समझा कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा है तो क्या है गेटिंग इट चलिए हाउ लॉ वर्क अब आप ये भी देख सकते हो कि एक लॉ वर्क कैसे करता है याद है लॉ मेकर लॉ इंप्लीमेंटर लॉ इंटरप्रिटर बस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑन लॉ एंड जस्टिस ड्राफ्ट द फाइनेंस बिल अगर फाइनेंस एक्ट में चेंज करना है तो पहले वो ग्रीन पेपर होता है फिर वो व्हाइट पेपर बन जाता है फिर बिल बन के सामने आता है बिल बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट के लिए खड़ा होता है जैसी अप्रूव होता है प्रेसिडेंट असेंट मिल जाता है और एक्ट को क्या कर दिया जाता है नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट यह बन गया लॉ अब लॉ को इंप्लीमेंट करना होता है सो पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉ देन द पावर इज डेलीगेटेड टू अनादर बॉडी पार्लियामेंट लॉ अप्रूव करता है और क्या कर देता है डेलीगेट कर देता है किसी दूसरी बॉडी को टू क्रिएट वर्किंग लॉ हियर रूल्स आर इंप्लीमेंटेड इन अदर वर्ड इट कैन ऑल्सो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया बन इंप्लीमेंट करने के लिए किसी बॉडी के हाथ में दिया जाता है वर्ड जरा ध्यान से सुनना बॉडी के हाथ में दिया जाता है अब आप ये पूछोगे कि बॉडी कौन है सर बॉडी टू इंप्लीमेंट सी बी डी यह है बॉडी जो इंप्लीमेंट करते हैं सीबिडिटी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस सीबीआईसीट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और इस तरीके से आपका सिलेबस बनता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अब एक और सवाल यह है वो दो बॉडी जो इन चीजों को हैंडल करती है टाइप कितने होते हैं टैक्सेस के बात का विषय है ये है पूरा सीबीडीटी एंड सीबीआईसी डन सर दो बॉडी बनाई गई और ये दोनों बॉडी इस तरह के से वर्क करती है नीचे आओ वापस से ऊपर आओ ये बात समझ में आ गई अनादर बॉडी में तुम लिख सकते हो तुम्हारे केस में सीबीडी लॉ इंटरप्रिटर वो होता है ना आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर वाला तो हमारे पास ट्रिब्यूनल्स है जो केसेस को हैंडल करते हैं उससे ऊपर है हाई कोर्ट उससे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस तब ले सकता है जब कोर्ट ग्रांट कर दे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मतलब जब कोर्ट अप्रूव करेगा तभी हम सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में जाना पॉसिबल नहीं होगा एंड दैट टू बाय फाइलिंग अ स्पेशल पिटीशन ऑफ लीव या स्पेशल लीव पिटीशन दोनों में नाम से इसे बोला जाता है तो सर पेज नंबर वन बहुत घूमे जब समझ में आया सर अब तक हमने क्या पढ़ा मैं आपको बताऊं? कल हमने चार वर्ड पढ़ने थे याद है कल हमने चार वर्ड पढ़ने थे इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब तक इसमें से हमने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा एक्ट सर सिर्फ एक वर्ड इतना सारा डेढ़ दो पेज पढ़ाने के बाद हाँ डेढ़ दो पेज पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक वर्ड समझ में आया है एक्ट हमें चार वर्ड पढ़ने हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब तक का तो मैं सिर्फ आपको एक्ट ही पढ़ा रहा हूं एक्ट कैसे आया एक्ट को रीड कैसे करते हैं एक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें होती है एक्ट को पहले पढ़ना या केस लॉ को पहले पढ़ना एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स अब तक आपने सिर्फ मेरे साथ एक वर्ड पढ़ा है एक्ट अब कैसा लग रहा है आपको ये बताइए अब तक आप अपन ने सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ा मैंने ज्यादा पढ़ाया अब तक नहीं मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड पढ़ाया अब तक एक्ट एक्ट में क्या होता है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है बताओ जल्दी समझ में आया इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी तुम्हें और तीन वर्ड पढ़ने हैं इनकम टैक्स 1961 अभी तुम्हें पढ़ना है एक्ट वाला वर्ड तुमने पढ़ लिया एक्ट कहां से आता है लाने का पावर कहां से है इंप्लीमेंट कैसे होगा एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना है तो सर ये सारी चीजें कुछ बच्चे मेरे से दो बड़े सवाल पूछेंगे इन सवालों का जवाब मैं अभी दे दू सर सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या आंसर इज नो 298 सेक्शन है तुम वैसे भी याद नहीं रख सकते इसको कुछ सेक्शन जिनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे इस बात की गारंटी मेरी

टेक्निकल लैंग्वेज को लिखो लेकिन इसे सिंप्लीफाइड वे में भी दिया जा सकता है डोंट वरी हम लोग कर लेंगे वो चीज यस मालिक अच्छा तो सर अब आते हैं दूसरे वर्ड पे टैक्स अब मैं दूसरे वर्ड पे जा रहा हूं टैक्स जरा ध्यान से सुनिएगा सर आपने कभी सोचा कि दो वर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है गिव द नेक्स्ट हेडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज यह सवाल मैंने आपको पता है कहां देखा है आर्टिकल 271 में जाओ देखो मैंने दो गोले बनाए हुए हैं ड्यूटीज और टैक्सेस ये दो तो अलग अलग वर्ड है नहीं सर दोनों एक ही वर्ड है मैं तो कहता हूं चलो दोनों एक ही है टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर वन एंड द सेम थिंग कमेंट करके बताइए हाँ या हा टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर वन एंड द सेम थिंग कमेंट करके बताओ हाँ या हाँ सर दो बातें मैं आपको बता दूं ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ये आपको साथ साथ में लिखना है एक बच्चा मुझे कह रहा है सर टेलीग्राम पे डाल दो नहीं पॉसिबल है ये आपको मेरे साथ साथ में लिखना है जिसने नहीं लिखा होगा रात में बैठना लेक्चर पूरा लिखना अरे साहब कैसी बात कर रहे हो सर टैक्सेस और ड्यूटीज दोनों सेम चीज है लिखा ही है टैक्सेस और ड्यूटीज और ही तो लिखा है तो दोनों सेम चीज हुई बोलो हाँ या हाँ हाँ एक जन कहता है चलो सर आपके वचन सत्य वचन सही है सर दोनों सेम है डिफरेंट है तो अच्छा मुझे बताइए डिफरेंस क्या है मुझे बताइए डिफरेंस क्या है हम टैक्स वर्ड कब यूज करते हैं ड्यूटीज ये लॉ का नाम ऐसा क्यों नहीं है इनकम ड्यूटीज एक्ट 1961 ऐसा रख देते टैक्स क्यों रखा इनकम ड्यूटीज एक्ट 1961 अच्छा होता नहीं सर वो राइम नहीं हो रहा अब राइम क्या तेल लेने राइम करना थोड़े नहीं बैठे जल्दी बताइए सर टैक्सेस एंड ड्यूटीज जतिन कहते हैं ड्यूटी इज अ वाइडर टर्म अच्छा अच्छा देखो मैंने ना जिंदगी में कई तरह के बच्चे देंगे कुछ होते हैं कुछ होते हैं जो क्या करते हैं बताओ जो बहुत पढ़ाई करते हैं कुछ होते हैं जो बहुत मस्ती करते हैं और एक तुम आविष्कार कर रहे हो इन दो वर्ड के साथ मैं बता देता हूं ड्यूटीज इज ऑन गुड्स हम ड्यूटीज वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब सब्जेक्ट मैटर गुड हो ड्यूटीज इज ऑलवेज लेवड ऑन गुड्स गुड्स के ऊपर ड्यूटी लेवी की जाती है एक समय था जब लेवी की जाती थी एक्साइज ड्यूटी अभी लेवी किया जाता है कस्टम ड्यूटी ये गुड्स के ऊपर होता है वेल टैक्सेज इज ऑन इनकम एंड दर देन ऑन गुड्स मे बी सर्विसेस इसीलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है मेजर एलिमेंट जहां पे कंपोनेंट आ गया गुड्स एज वेल एज टैक्स तो ब्रॉडर वर्ड टैक्स डाल दिया जाता है टैक्स इज अम मोर ब्रॉडर वर्ड देन ड्यूटीज हालांकि इस पर क्वेश्चन भी है कि कौन सा ज्यादा ब्रॉडर वर्ड है पर जीएसटी से हमें यह क्लियर हो जाता है दैट टैक्स अर ब्रॉडर वर्ड इससे हमारा इतना पॉइंट नहीं है हमें सिर्फ यह समझना था कि जब भी गुड्स का रेफरेंस आता है हम ड्यूटीज वर्ड यूज करते हैं और जब भी अदर देन गुड्स का रेफरेंस आता है या इनकम का रेफरेंस आता है तो हम वहां पर टैक्सेज वर्ड यूज करते हैं गेटिंग इट नॉट अच्छा कुछ और बातें कुछ और बातें टैक्स कितने प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस टैक्स कितने प्रकार के होते हैं सर दो प्रकार के होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स बराबर है डायरेक्ट टैक्स को कौन हैंडल करता है सीबीडीटी इनडायरेक्ट टैक्स को कौन हैंडल करता है सीबीआईसी सर इनकम टैक्स के अलावा कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स आपको पता है ये बताइए कमेंट कीजिए फटाफट मुझे बताइए इन कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है जल्दी से बताइए कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों को पता है एक है इनकम टैक्स दूसरा है वेल्थ टैक्स तीसरा है गिफ्ट टैक्स अच्छा जी म्युनिसपल टैक्स ओहो भाई फुल रिस्पेक्ट म्यूनिसपल टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बढ़िया साहब वाटर टैक्स रिस्पेक्ट वाटर टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़िया भैया टोल टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़िया बेटा बहुत आगे जाओगे सर डायरेक्ट टैक्सेस कुछ इस प्रकार के हैं इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स एस्टेट ड्यूटी इनकम टैक्स आज भी चल रहा है वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है इसे हटा दिया गया है यह ड्रकोनियन टैक्स था जो इनकम टैक्स के अलावा कलेक्ट किया जाता था जो अमीर लोग हैं इनसे एक और टैक्स कलेक्ट किया जाता था वेल्थ टैक्स अरुण जेटली साहब ने हमेशा इसके ऊपर बहुत क्रिटिकल कमेंट्स किए पार्लियामेंट के अंदर में कि ये कहते हुए कि सर ये टैक्स ही गलत है अमीरों से पहले तो आप वो धन कमा रहे हैं उस पर इनकम टैक्स ले रहे हो जब ये धन अक्यूमुलेट होकर कोई वेल्थ क्रिएट करता है आदमी क्योंकि पैसे का वो कुछ तो करेगा अब वो पैसे का क्या कर लेता है प्रॉपर्टी ले लेता है तो आप इसको वेल्थ में क्लासिफाई करके इस पर एक और टैक्स लेते थे वेल्थ टैक्स आप भारत का टैक्सेशन हिस्ट्री समझिए अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि यह गलत है आप जब वो इनकम कमा रहे हो उस पर इनकम टैक्स कलेक्ट कर ले रहे हो उस इनकम से वो बिल्डिंग खरीद रहा है अब तुम बोलते हो इसकी वेल्थ हो गई है अब इसकी वेल्थ के ऊपर फिर एक टैक्स कलेक्ट करो वेल्थ टैक्स इस तरीके से आदमी डिमोटिवेट हो रहा है इंडिया के अंदर में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वेल्थ टैक्स को एबॉलिश किया गया गिफ्ट टैक्स कई सालों पहले एबॉलिश हो चुका है यह अब इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है गिफ्ट टैक्स कई सालों पहले एबॉलिश हो चुका है एस्टेट ड्यूटी दुनिया में इससे भयानक टैक्स भारत सरकार ने कभी लागू नहीं किया है पूरी दुनिया में इतना भयानक टैक्स कभी नहीं था जितना एस्टेट ड्यूटी था मे भी आपके घर पे दादाजी होंगे उनसे पूछना उनको शायद इस टैक्स के बारे में पता हो मैं एक बहुत डीप हिस्ट्री में बता रहा हूं देखो इंडियन गवर्नमेंट कैसे वर्क करता आया कई सालों पहले से आदमी ने इनकम कमाई उससे इनकम टैक्स कलेक्ट करते थे फिर इससे उसने बिल्डिंग खरीद ली इस पर वेल्थ टैक्स कलेक्ट करते थे एस्टेट ड्यूटी एक ऐसा टैक्स था जो कांग्रेस सरकार ने लगाया था क्योंकि उस टाइम कांग्रेस सरकार ही थी कोई और सरकार ही नहीं थी एस्टेट ड्यूटी एक ऐसा टैक्स था जो कांग्रेस सरकार ने लगाया था और ये टैक्स मरने पे टैक्स था सर कैसी बातें कर रहे हो आप मरने पे टैक्स हां मौत के ऊपर ये टैक्स लगता था कितना अजीब है जरा सोच के देखिए आप पहले जीते जी इनकम कमा रहे हो इनकम टैक्स दिया फिर एक समय के बाद आपने कुछ असेट बना लिए वेल्थ बना ली इसके ऊपर आपने वेल्थ टैक्स दिया अब होता क्या था मरने के बाद लेट्स एक्स एक्स अगर गुजरा इसकी पूरी एस्टेट इनहेरिटेंस में इसके बच्चे वाई को जा रही है तो भारत सरकार आती थी और कहती थी तुम्हें एस्टेट मिला तुम इसके ऊपर और ड्यूटी दोगे एस्टेट ड्यूटी मतलब एक ही चीज पे तीन बार टैक्स जीते जी उस आदमी ने कमाया इनकम टैक्स दिया इससे इसने बिल्डिंग एंड एसेट्स परचेज किया इस पर वेल्थ टैक्स दिया और मरने के बाद जब इसके घर वालों को ये इनहेरिटेंस में जाता था तो इनहेरिटेंस में मिलने से पहले एक ड्यूटी पे करनी पड़ती थी इसे कहते थे एस्टेट टैक्स कि आपको एस्टेट मिल रहा है इसके ऊपर टैक्स दो और हु इसका इंपैक्ट यह हुआ कि कई सालों से जो लोग अमीर थे वो धीरे धीरे भारत के अंदर में गरीब हुए क्यों क्योंकि उनने इनकम टैक्स भी पे किया उन्होंने वेल्थ टैक्स भी पे किया और जब ये प्रॉपर्टी कमाने के बाद इनके बच्चों के हाथ में गई इन्होंने फिर उसके ऊपर टैक्स दिया मतलब एक ही चीज के ऊपर तीन बार टैक्स देने के कारण जो अमीर भी था वो गरीब हुआ क्योंकि एक ही चीज पे तीन तीन बार टैक्स देना पड़ा और इसे भी क्या कर दिया गया अबॉलिश कर दिया गया हेंस आज डायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे आपको सिर्फ इनकम टैक्स है जरूर बताइएगा ये नॉलेज आपको कैसा लगा एस्टेट ड्यूटी वाला क्योंकि आपने कंफर्म ये कभी सुना नहीं होगा मतलब मरते मर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तू मरते मरते भी आदमी टैक्स देके जाता था यस और नो ये थे डायरेक्ट टैक्सेस के प्रकार तो आज डायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स चालू है बाकी ये तीन अबॉलिश कर दिए गए हैं जिसके रीजन मैंने आपको समझा दिए क्यों इन डायरेक्ट के अंदर में हमारे पास जीएसटी है हमारे पास कस्टम है एक समय था चार तरह के थे एक्साइज सर्विस टैक्स कस्टम वैट सब हटा के जीएसटी एंड कस्टम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा रखा गया कस्टम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला एक टैक्स कस्टम डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स बिकेम योर टैक्सेशन सब्जेक्ट विजय सर समझ लीजिए क्या पढ़ा रहे हैं आपको डायरेक्ट टैक्स यह है टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम कहा हैं हमें चार वर्ड पढ़ने हैं कौन से चार वर्ड सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमने इनकम पढ़ लिया टैक्स पढ़ लिया एक्ट पढ़ लिया 1961 पढ़ लिया क्या पढ़ा इनमें से सिर्फ दो वर्ड टैक्स और एक्ट अभी इनकम भी बाकी है और 1961 भी बाकी है लेकिन ये आज नहीं बाद में पढ़ेंगे चलिए साहब ध्यान से सुनिएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमने एक्ट पढ़ लिया टैक्स पढ़ लिया बचावा हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डन तो सर बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है जो जो बच्चे अभी आए मैं उन सभी बच्चों को कह दूंगा या आप किसी को एक क्लास रिकमेंड कर रहे होंगे तो प्लीज उसको बोलिए कि पहले लेक्चर से देखिए ये तो दूसरा लेक्चर था उसे कहिए पहले लेक्चर से देखे क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि ये लिंक्ड है तो उसको भी बोलिए पहले लेक्चर से देखें उम्मीद कर रहा हूं कि आज का लेक्चर बड़ा मजा आ रहा होगा आपको यस अब मैं आप लोग के सवाल लेने वाला हूं मैं आपकी क्वेरीज लेने वाला हूं कोई तारीफ करनी है बिल्कुल कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो कहना चाहते हो सब कहो मोबाइल मैंने रख दिया है सामने ओमकार जी बिल्कुल सही सेस मींस टैक्स और सरचार्ज का एक सर्टन परसेंटेज बराबर जी हां किशन जी ने तो अच्छे से किया है आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने जितने भी फाउंडेशन वाले दोस्त होंगे या जिन्हें भी इंटरमीडिएट की क्लासेस करनी होगी प्लीज उन तक के पहुंचाइए बाकी कंसेप्ट तो आपको खुद समझ में आ गया ऑर्डिनेंस एक वर्ड है जो एक्ट का मतलब बताता है बेटा सचिन ऑर्डिनेंस मतलब फॉर द टाइमिंग ऑर्डिनेंस लव फ्रॉम हैदराबाद थैंक यू सो मच मालिक एक शायरी अभी नहीं आगे आएगा लव फ्रॉम दिल्ली थैंक यू मालिक मेरे पापा अभी ठीक है मैं तुरंत लेक्चर के बाद जाके उन्हीं के पास जाने वाला हूं सरचार्ज कैलकुलेट कैसे होता है दीपिका बेटा सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है अब तक हमने दिखाई नहीं सरचार्ज क्या होता है अभी हमने ये पढ़ा है आगे आएगा वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर थैंक यू सो मच मालिक आराम से लव फ्रॉम चंडीगढ़ मालिक थैंक यू पर्सन क्या होता है अब तक हमने डिस्कस नहीं किया आगे आएगा देखिए जो हमने डिस्कस नहीं किया उसमें मत जाइए ये सब आगे आने वाला है राजस्थान और दिल्ली से बहुत सारा प्यार थैंक यू मालिक सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जलगांव से बहुत बढ़िया साहब लखनऊ चेन्नई कल्याण क्या बात है साहब थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मालिक पूरे इंडिया से प्यार नागपुर से तो मैं खुद हूं बींग चार्टर्ड थैंक यू सो मच क्या बात है वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करो मैं डेफिनेटली करता हूं इनकम क्या होता है हर्षिल अभी हमने डिस्कस नहीं किया बेटा आप वो सारे सवाल पूछ रहे हो जो आप नोट से देख रहे हो जिसको अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है शांति रखो एक दिन में इनकम टैक्स नहीं सीखोगे लव फ्रॉम होल इंडिया थैंक यू सो मच मालिक टीडीएस में एओ कौन होता है टीडीएस वाला जो एओ होता है वो स्पेसिफिकली असाइंड होता है नेपाल से भी लोग है भाई साहब यहां पर बहुत बढ़िया सर वेल टैक्स को डिफाइन कीजिए जो चीज जा चुकी है उसको डिफाइन करके मतलब क्या है मतलब उसमें मत ही जाओ ना औरंगाबाद और, और मोहाली से भी प्यार बहुत बढ़िया बेटा अंकित आपके ऊपर से जा रहा है क्योंकि आपने शायद कल का लेक्चर नहीं देखा वहां पे जाइए आपको समझ में आएगा कंसोलिडेटेड फंड मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें सारा पैसा कलेक्ट किया जाता है इसीलिए उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड एनीबडी कोई और डाउट प्राइजिंग के बारे में मैं आपको भी बता दूं आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम वेबसाइट के ऊपर जाइए वहां पे आपको सारे प्राइजेस लिखे हुए हैं 31 दिसंबर से पहले अगर कोई बाय करता है तो उसको डिस्काउंट है तो प्लीज वहां पे चल जाइए दिव्या द ड्राइव लेक्चर्स आर फ्रॉम लास्ट बैच ट्वेंटी ट्वेंटी आपने कौन सा लेक्चर लिया है बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वहां पर क्लियर कट लिखा है आपको अटैम्प सेलेक्ट करना होता है उसके बिना वो प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ता सर एनहांस सरचार्ज क्या होता है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया बेटा अभी हमने सिर्फ सरचार्ज का मीनिंग समझा है 2017 में ही खत्म कर दिया गया था साहब एक्साइज ड्यूटी को थैंक यू सो मच आयुष नोट्स मेरे आ चुके हैं डन सर पूरा माइंड घूम गया बहुत बढ़िया सर यस yes, दिव्या आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ही मिलेगी क्योंकि लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ही चल रही है आर्टिकल 123 प्लीज एक बार जाकर के आप वापस से वीडियो देखिए बेटा अभी पूरा का पूरा मैं आपको वो पार्ट रिपीट नहीं कर पाऊंगा यू आर बेस्ट रियली जैसा सुना था वैसा देगा थैंक यू सो मच अनुजा बेटा सेस चार होता है बेटा बुक्स जल्दी डिलीवरी करवा दो हाल ए दिल बेटा जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा हम यहां से जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं हितेश ये बहुत छोटा सा पार्ट है जितना आपने पढ़ा है इनकम टैक्स अभी बहुत बड़ा है लॉ कब आएगा दर्शन सर आई थिंक ट्वेंटी फिफ्थ से शुरू कर रहे हैं सर लाइव स्ट्रीम होगा क्या डीटी का हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वी स्मार्ट अकेडमी के चैनल के ऊपर लेटेस्ट थिंक कि ये कैसे वर्कआउट होता है लव फ्रॉम पुणे थैंक यू मालिक डन चलेगा सो आई थिंक देर इज नो अदर क्वेरी आज आप पूरा पढ़ के आइए आज मैं सभी को होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क ये है प्रभु कि आपको पूरा का पूरा पढ़ के आना है जितना मैंने आज तक पढ़ाया आज तक का लेक्चर नहीं पढ़ा तो कल का लेक्चर समझ में नहीं आएगा आप ये समझ लीजिए आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा ये समझ लीजिए डन मालिक सो बाय बाय एंड टेक केयर Bye, bueños